अबू, आप हर नमाज के बाद क्या पढ़ते हैं? बेटे, मैं आयतल कुर्सी पढ़ता हूँ हर नमाज के बाद। ये आयतल कुर्सी पढ़ने से क्या फ़ायदा होता है? बेटा, इसके पढ़ने से बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। ठीक है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जो शख्स हर नमाज के बाद आयतल कुर्सी पढ़ता है तो उसके और जन्नत के दरमियान सिर्फ मौत हाइल होती है, यानी वो शख्स जैसे ही मरेगा तो वो जन्नत में चला जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि उसका एक पांव दुनिया में होता है और दूसरा पांव जन्नत में होता है, लेकिन बीच में सिर्फ मौत का पर्दा होता है। मरने के बाद वो फौरन जन्नत में चला जाएगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है। अबू, हम भी इस दुआ को सीखेंगे इंशाल्लाह। ठीक है बेटे, मैं इस आयत को तुम्हें जरूर सिखाऊंगा। अबू, हमदान नमाज में बदमाशी कर रहा था, मारिए ना उसको। हाँ हाँ, बदमाशी नहीं करो बेटे, हम तुम्हारी पिटाई नहीं करेंगे। देखो बेटे, ये अभी छोटा बच्चा है, ये अभी समझदार नहीं है, इसके अंदर अभी अकल नहीं है। जब ये बड़ा हो जाएगा तो खुद बखुद समझदार हो जाएगा और फिर शरारत नहीं करेगा। इसीलिए अगर छोटे बच्चे कुछ शरारत भी करे तो उसे सिर्फ समझा देना चाहिए। सख्ती करने से उसका दिल नमाज की तरफ नहीं जाएगा। बदमाशी नहीं करना बेटे, ठीक है? अच्छा, तहजुल लोग अब नमाज में बदमाशी नहीं करेंगे।